सतगुरु रविदास धर्म समाज पंजाब के प्रधान श्री आनंद किशोर जी जो कि अपनी समुची टीम के नाल तप स्थान श्री गुरु खरालगढ़ साहब विखे अपने नतमस्तक होने लई समुची टीम के नाल पहुंचे ने, वो पांच सत्त मिनट वास्ते संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करनगे। सतगुरु रविदास धर्म समाज पंजाब के प्रधान श्री आनंद किशोर जी। श्री गुरु रविदास तप स्थान खरालगढ़ साहब अते जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजरी विच मौजूद गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव जय भीम। सब तो पहला अज दे इस शुभ दिहाड़े की जिसनों असी विसाखी भी कहने हैं और खालसा साजना दिवस भी कहने हैं और असी इस शुभ दिहाड़े नूं क्रांति के रूप चकर जानिए तो शूद्रा तो खालसा दिवस भी जानने और शूद्रा तो खालसा दिवस के इस दिहाड़े की समूह संगतां नूं सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों कोटन कोट बधाई। जिथे असी बधाई दिंदे आ उत्थे असी दसना चाहुंदे आ कि अज समय की लोड़ की है। अज सानू समय के हिसाब के नाल चलना पएगा। जिस तरह कि मेरे तो पहला इस गुरु घर के मुख सेवादार डॉक्टर केवल सिंह जी दस के गए आ जिन्ना उन्होंने ने विस्तार के नाल दसिया। वैसे तो लोड़ नहीं है कोई गल करन दी क्योंकि उन्होंने सारा पेज जिहड़ा खोलिया और उस तो बाद जिहड़े साडे हरप्रीत जी जमालपुर जी एडवोकेट साहब उन्होंने भी बड़े विस्तार के नाल दसिया। मैं आप जी दसना चाहुंदा कि पिछले दिन ही सतगुरु रविदास महाराज का आगमन पुरब असी बड़े हर्षोल्लास के नाल मनाया और सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों 27 फरवरी को यह दिहाड़ा जिहड़ा आ सिंघू बार्डर की धरती से मनाया गया उस इतिहासक मंच के उत्ते जिथे तकरीबन 4.5 घंटे के टाइम के नाल इस मंच में साढ़े को सानू दिता गया और बड़े सुचजे ढंग के नाल सतगुरु रविदास धर्म समाज की समुची टीम वालों सतगुरु रविदास महाराज का आगमन पुरब मनाया गया। और ध्यान देने गल यह है कि जो किसानों के संघर्ष का जरा 26 नवंबर तो जो चलिया आ रहा तकरीबन 3 महीने तक जी पंजाब के अंदर बड़ी शांति रही। पंजाब के अंदर कोई यहोजा माहौल नहीं पैदा होया। 26 नवंबर तो लैके 27 फरवरी तक और जदों 27 फरवरी तो गुरु रविदास महाराज का आगमन पुरब उस धरती तो मनाया गया उस मंच तो मनाया गया तो उस तो बाद जिहड़ा सांझी वार्ता का संदेश उस मंच तो असी दिता वो एक इंटरनेशनल मैसेज कि असी चिरां तो पए हुए पाड़े नूं नेड़े करन दी कोशिश कीती। लेकिन अज बड़े अफसोस दे नाल कहना पै रहा कि उस तो बाद 27 फरवरी तो बाद पंजाब के अंदर जिहड़ियां घटनावां हो रही वो बड़े अफसोसजनक। पंजाब के अंदर देखा जाए तो मोगे के अंदर 2 कुड़ियों का कतल किया गया गोली मार के और उस तो बाद हुशियारपुर के इलाके की एक घटना जी 13 साल की बच्ची के नाल 16 साल की बच्ची के नाल तशद्दुद होया और कल की खबर आ कि एक 13 साल की बच्ची के नाल फिर जबर जनाह किया गया। मैं दसना चाहुंदा कि ये घटनावां जिहड़ियां हुंदियां क्यों और इन्हां घटनावां नूं असी किस तरह देखना। जिदा जिदा
किसी भी संस्था या किसी भी समाज वालों समाज के अंदर कितने पॉजिटिविटी पैदा की जाती है, समाज के अंदर कोई प्रैशर ग्रुप कोई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाती है तो उदा उदा जोड़ा मनुवाद आ वह भी अपना पैर पसारता उदा उदा वह भी जी नैगेटिविटी साढ़े अंदर फैला इस तरह दटनाव जमाज के अंदर हो रही हैं। लेकिन यह घटनावं होंदिया क्यों आ सूद चानना पाने की लड़ है क्योंकि घटनावं ता ही होंदिया कि गुरु रविदास जी ने अपनी बाणी के अंदर कहा कि जग दुख की नगरी है जाने सब कोई ज्ञानी काटे ज्ञान से ते मूर्ख काटे रोए। तो अज असी रो रहे हैं उसका कारण यही है कि असी अज्ञानता दे नाल घिरे होए हैं। जिदा कि सतगुरों ने बाणी अंदर फरमाया माधो विद्या हित कीन विवेक दी बलीन कि सानू ज्ञान नहीं है कि पंजाब के अंदर जस इस देश के अंदर हो की रहा, सानू यह ज्ञान नहीं है कि मनुवाद कितना साढ़े अंदर प्यार पाड़ पाने की कोशिश कर रहा। लेकिन यह गल सानू समझनी चाहिए और मैं एक गल होर बड़े अफसोस के नाल कह रहा कि इन्हां पंजाब दीआं हो रही घटनावां दे उपर किसी भी किसान आगू का जिहड़ा कोई बयान नहीं आया, किसी भी समाजिक जथेबंदी का किसी भी चर्चित चेहरे का कोई बयान नहीं आया। ईवन इत्थे तक कि श्रोमणी कमेटी के वलों भी कोई यहोजे इन्हां घटनावां की कोई निंदा नहीं की गई। अज सानू बड़े अफसोस के नाल गल कहनी पै रही है कि असी हमेशा हमेशा असी भाईचारक सांझ का संदेश दिता और अज सानू देखण नू की मिल रहा। और अज मैं इस धरती तो यह गल कहनी चाहुंदा कि मैं थोड़ी देर पहला साढ़े प्रधान जी डॉक्टर केवल सिंह जी नाल काफ़ी विचार वटांदरा होया और दसना चाहते हैं कि यह साडा जिहड़ा इतिहास जिहड़ा स्थान आ असी इस स्थान नू प्रमोट करिए, असी इस स्थान की मानता जिहड़ी आ उदेशों विदेशों में नहीं अपने पंजाब के अंदर खास करके फैलाईए। असी इस स्थान तो जो भी गल करते हैं वो साडे समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करनी चाहिए है। सानू ये चाहिए कि इस पंजाब के अंदर जो भी घटनावां होंदियां उहदा इस स्थान तो कोई कठोर कोई सख्त फैसले ले जाण जिहदे नाल आने वाले समय के अंदर यह जो घटनावां नहीं होनियां चाहीदियां साढ़े पंजाब के अंदर। और मैं एक गल होर कहनी चाहूँगा कि इन फैसलों को किदां किया जाए। तो जेकर तुसीं देखिया होना पिछले समय के अंदर जिथे जिथे पिंड के अंदरों गुरु घर के अंदरों स्पीकर के उच्चों ये मते पास किए गए कि जेने झोने की बिजाई आ उहदे अगर कोई दिहाड़ी वध मंगदा तो उन्होंने समाजिक बाईकाट किया जाता। तो जे उन्हां दा समाजिक बाईकाट किया जाता तो फिर समाजिक बाईकाट उन्हां लोगों का भी होना चाहिए जेडे साडी धीआं भैणां दे नाल अत्याचार करते। मैं ये गल तां कह रहा क्योंकि बहुत समा हो गया देखदियां नूं, बहुत समा हो गया सहिंदियां नूं। जिदा कि डॉक्टर साहब दस के गए आ कि 505,000 साल पहला सानू लुटिया ते कुटिया गया, अज भी वह समा जिहड़ा दुबारा आ रहा। इस करके सानू खास करके सानू साडे समाज नू ऐसी समाज नू एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होना चाहिए, इस मंच के उत्ते इकट्ठे होना चाहिए ताकि साडा एक प्रैशर ग्रुप जिहड़ा तैयार हो सके। और कल नू युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का जन्मदिन है, सानू असी वह भी इत्थे मनाउणा। तो बाबा साहब ने एक गल कही सी कि जे जिहड़े साडे अधिकार आ ताडे को खोए गए आ और ताडे खोए हुए अधिकार जिहड़े आ किसी के अगे बेनतियां करन दे नाल नहीं मिलने, उहदे लई सानू जिहड़ा कड़ा संघर्ष और निरंतर संघर्ष करना पैना जिहदे लई सतगुरु रविदास धर्म समाज हमेशा तैयार आ। और मैं बेनती करूँगा इस स्थान के जो मुख्य सेवादार ने कि जिदा जिदा भी तुसी इस काफले नूं अगे वधाओगे उस तरह असी तुहाडे नाल नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के सहयोग करांगे। असी चाहुंदे हां कि तुसी इस काफले नूं चलाओ, तुसी इस इतिहासक स्थान तो समाज के प्रति कुछ फैसले इहो जिहे लो जिहदे नाल समाज का भला हो सके, समाज दे अंदर एक चेतना पैदा हो सके, समाज साडा जागरूक हो सके ताकि जो गल असी लोगों को सुनते हैं जां लोगों नूं देख के असी करते हैं वह गल साडे वह गल जिहड़ी अज साडे अंदर होनी चाहिए है। साडे
धार्मिक स्थानों तो जी गल होनी चाहिए है। तो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि मेरे तो पहला गल जी हरप्रीत जी ने जमीना बारे की जमीनी मामला जोड़ा बड़ा अच्छ पख्या होया। पिछले दिन ही लुधियाने पी ए यू के किसानी संघर्ष मोर्चे की मीटिंग सी, मैनू भी उत्थे बुलाया गया और मैं उत्थे देखा कि 80% जिहड़े बुला रहे हैं उन्होंने गल जी मजदूर समाज की कीती, उन्होंने गल जी मजदूर समाज की कीती। और होया क्यों, ये होया उदों जो असी 27 फरवरी गुरपुरब मना के आए, उस तो बाद साडा समाज जाग गया और उन्होंने ये गल साफ कही कि जेकर 3 काले कानून के अंदर 4था मता जिहड़ा आ पिंडां दी पंचायती जमीन नूं लैके पाया जाए तो मजदूर समाज जिहड़ा आ तुहाडे नाल हमेशा दिन रात खड़ेगा। और ये गल बहुत वड्डी आ कि पंजाब के अंदर दी जमीन आ पिंडां दी जो कि साड़ी है कानूनन तौर पर ऐसी समाज की। और मैं इतों बेनती करना चाहूँगा इस स्थान तो जिस जी जमीन आ पंजाब सरकार नूं भी कि जल्द तो जल्द जी साडे समाज के नाम से की जाए। और एक गल होर जी सांझी करनी है जरूरी अज के समय लिए कि पिछे प्रधान जी ने साडी मीटिंग हुई तो उन्होंने सानू दस्या कि जी पिछे बेगमपुरा मिनारे बेगमपुरा जो कि पंजाब सरकार का प्रोजैक्ट लाया गया उसका काम जरा काफ़ी लंबे समय तो अटकया होया बंद किया होया तो इन्होंने जो बजट पेश किया इन्होंने जो RTI ने कागज मंगाए तो वो लिखा कि जो 103 करोड़ रुपया असं दे चुके हैं और जोड़ा काम है वह बंद पिया। तो इस मंच तो इस स्थान तो पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द तो जल्द इस इमारत का काम शुरू किया जाए नहीं तो 2022 के अंदर रिजल्ट जो साफ नज़र आएगा तुहानू। और मैं अपने समाज वालों सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों अज के दिन की आप जी सब लख लख बधाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर के जन्मदिन की भी लख लख बधाई दिंदा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।